ईमेल के माध्यम से भी तामील हो सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी तामील हो सकते हैं। इसके लिए नए प्रावधान नए कानून में दिए गए। जैसे मैंने बताया कि ई बयान, ई साक्ष्य ऐप पर ई बयान लिया जा सकता है पुलिस के माध्यम से। दूसरा, जो साक्षीदार है, आरोपी है, जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि डॉक्टर रहते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स रहते हैं, और जो पीड़ित है, उनका भी ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से कोर्ट में साक्ष्य लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में खुद से जाए और साक्ष्य लें। जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो अभी तक कोर्ट में एडमिसेबल नहीं थे, डिजिटल एविडेंस, जिसमें सर्वर लॉग, जैसे कि जब क्लाउड सर्वर में आपने कब लॉगिन किया, वाईफाई में आपने कब लॉगिन किया, कहां से लॉगिन किया, ये अभी तक एडमिसेबल नहीं था, उसको एडमिसेबल बनाया है। लोकेशनल एविडेंस, आप जब घुटना कर रहे थे तो आपका लोकेशन कहां का था, आपका मोबाइल का लोकेशन, जीपीएस लोकेशन, इन सबको अभी एडमिसेबल बना लिया है, पहले एडमिसेबल नहीं था। वैसे डिजिटल वॉइस मैसेज, अगर व्हाट्सएप पे कोई वॉइस मैसेज भेजा है या फिर किसी का कॉल रिकॉर्ड कर लिया आपने बात करते करते, ये सब पहले एडमिसेबल नहीं थे, इनको सेकेंडरी बाद में रखा जाता था, मेन एविडेंस नहीं माना जाता था, लेकिन अभी उन सबको एडमिसेबल किया गया है।